नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सत्संग जी। शुक्राना गुरु जी महाराज और मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज गुरु जी महाराज की कृपा से एक उपराला किया जा रहा है, जिसके तहत गुरु जी महाराज की पुरानी संगत ही इस सेशन में सेवा करेगी। मैं ज्यादा कुछ ना बोलते हुए गुरु संगत को गुरु पूर्णिमा की बधाई देता हूं, और इसी के साथ ही डॉक्टर नीलम मांडी को रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज सेशन को इनिशिएट करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी को कोटि कोटि नमन और आयु संगत को नमस्ते। बहुत बहुत शुक्राना और शुक्राना शुक्राना गुरु जी महाराज का मल्टीलिंगुअल जो महाराज ये जूम लिंक है। और थैंक यू सो मच वासन अंकल। आज जो है हम लोग के बहुत ही प्यारा सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं बात बोलना चाहूंगी। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाऊं, गुरु बलिहारी आपने जो गोविंद दियो मिलाए। दोनों देखिए हमारे पास खड़े हैं, लेकिन हमें कहते हैं कि गुरु सबसे बढ़कर होता है, तो हमारे लिए तो हमारे गुरु जी गुरु भी हैं और गोविंद भी हैं। आई थिंक इससे अच्छी बात हमारी लाइफ में क्या हो सकती है कि हमें तो दोनों ही मिल गए। सो बहुत बहुत शुक्राना। और देखिए गुरु जी ने हमें जो है इतना कुछ सिखाया है, इतना लाइफ में एक अच्छी राह दिखाई हमें, और इसीलिए शायद उन्होंने अपने जब वो फिजिकल फॉर्म में थे और कुछ सत्संग जो है, जो कि आई थिंक बहुत डिवाइन है, बहुत ब्लेस सत्संग है, उन्होंने अपने सामने ही संगत से लिखवाए। सो बहुत शुक्राना गुरु जी इतनी होली ग्रंथ हमें देने के लिए। और आज से जो है हम लोग यहाँ पर जो ये सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये इतना ब्यूटीफुल और डिवाइन इसीलिए है कि जो सत्संग जो गुरु जी के मतलब हाथों में गए और गुरु जी की नजरें जिनके ऊपर पड़ी, जिन सत्संग पर और जिन जिनको गुरु जी ने बोला कि आप सत्संग लिख कर लेकर आओ, वो सत्संग जो कि एक बुक के फॉर्म में यानी कि लाइट ऑफ डिविनिटी जो होली ग्रंथ हम जिसको कहते हैं अपना, उसके रूप में हमारे सामने आया। तो आज की खास बात यही है कि जो जिनके सत्संग लिखे गए हैं वही संगत जो है या उनके फैमिली मेंबर्स उस सत्संग को पढ़ेंगे, और वो सत्संग डेफिनेटली बहुत शॉर्ट में है। तो मेरी गुजारिश रहेगी सारी संगत से जो भी यहाँ पे जुड़ते जाएंगे पुरानी संगत जो है, कि वो डेफिनेटली उस पे और प्रकाश डालें कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, क्योंकि ये जानने के आई थिंक सभी इच्छुक हैं कि गुरु जी ने कैसे ये बुक को लिखवाना शुरू किया, कैसे सत्संग को बोला कि सत्संग जो है आप लिखकर लेकर आओ। ऐसा उस टाइम क्या हुआ था जो गुरु जी ने इसे सोची, और शायद गुरु जी जानते थे कि वो चोला छोड़ने वाले हैं, तो एक जैसे होता है ना कि वो होली ग्रंथ हर अपने जो कोई भी गुरु होते हैं वो कहीं ना कुछ छोड़ के जाते हैं, तो छोड़ के तो गुरु जी हमारे लिए बहुत कुछ गए हैं, लेकिन डेफिनेटली वो सत्संग पढ़कर लोग जो है गुरु जी से बहुत ज्यादा कनेक्ट हुए, और हम जो है आज जब उन संगत से रूबरू होके जब ये सत्संग सुनेंगे तो दे विल बी सो ब्यूटीफुल एंड डिवाइन। सो इतना शुक्राना गुरु जी का, गुरु जी इसी से जोड़ने के लिए। और संगत जो है डेफिनेटली वो सब जुड़े, और इसके अंदर इतने सत्संग है, इतने सत्संग है, आई थिंक बहुत सारे सत्संग, आई थिंक बहुत पुरानी संगत के नहीं भी है, लेकिन जितने भी सत्संग है वो हम जो वन बाय वन सुनेंगे तो डेफिनेटली हम गुरु जी से और कनेक्ट होंगे, क्योंकि एक एक सत्संग के अंदर इतनी ब्लेसिंग्स हैं, इतनी ब्लेसिंग्स हैं कि हम मतलब उसमें आई थिंक डूब ही जाएंगे। और गुरु जी ने क्योंकि इतना प्यारा जो ये हमें चीज दी हमारा लाइट ऑफ डिविनिटी, तो आई थिंक ये बहुत अच्छा गुरुजी, और ये गुरुजी की आज्ञा ही हुई अंकल को कि लाइट ऑफ डिविनिटी को पढ़ो। तो अंकल समझ नहीं पा रहे थे कि लाइट ऑफ डिविनिटी तो पढ़ी जा रही है ऑलरेडी, तो लाइट ऑफ डिविनिटी कहाँ क्या मतलब कैसे पढ़े। तो देखिए वो गुरुजी करवाने वाले होते हैं, जैसे अंकल को गुरुजी ने कहा भी था कि इस काम को जो है आगे बढ़ाओ, और मल्टीलिंगुअल ग्रुप जो है देखिए तभी से गुरुजी ने फॉर्म करवाया, और इसपे मल्टीलिंगुअल भी देखिए गुरुजी ने ही ये बनवाया, क्योंकि इसका मतलब यही है कि डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर जो है लोग जैसे जुड़ते हैं, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस के संगत है वो भी गुरु जी से जुड़े, और वो तभी पॉसिबल हुआ जब वो गुरु जी के बारे में सुनेंगे, तभी गुरु जी कहते हैं ना सत्संग सुनो और सुनाओ, तो सुनाने के लिए इसलिए कह रहे थे ताकि लोग कनेक्ट होंगे। तो दूसरे जो फॉलोअर्स हैं जो दूसरे रिलीजन के जो लोग हैं वो कैसे कनेक्ट होंगे, तो उसके लिए देखिए वही है कि अगर हम उनकी ही भाषा के अंदर कहीं गुरु जी के सत्संग जाए उनके कानों में
और वो इस तरह से जुड़े, क्योंकि जब तक हम सुनेंगे नहीं गुरुजी के बारे में, तब तक हमें पता कैसे चलेगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं किसकी नहीं। और जब उनकी ही लैंग्वेज में जब हमको सुनने को मिलेगा, तो ये गुरुजी की आज्ञा थी। और अंकल ने देखिए पहले तो जो गुरुजी की जीवनी थी वो बहुत सारी लैंग्वेजेस में करवाई, और लाइट ऑफ डिविनिटी भी काफी लैंग्वेजेस में हो गई है, और आगे भी इनफैक्ट आगे चलता रहेगा इसका। और भी कई सारी बुक्स हैं जो अंकल ने डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में कराई। तो थैंक यू सो मच वासन अंकल। ऑल दो शुक्राना तो गुरुजी का है ही, लेकिन आई थिंक जिसको गुरुजी माध्यम बनाते हैं तो उसका भी थैंक यू बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने एक ऐसा काम किया कि जो दुनिया पूरा आई थिंक पूरे वर्ल्ड में बहुत लोग कनेक्ट कर दिया, और लोग कनेक्ट होते भी जा रहे हैं, क्योंकि डिफरेंट लैंग्वेजेस में जोड़ना आई थिंक ये शायद विचार किसी के दिमाग में भी नहीं था उस वक्त। और गुरुजी ने देखिए कैसे आपको आज्ञा दी, और उस आज्ञा से आप जो है तब से लेके अब तक कितना आई थिंक कुछ ना कुछ अभी पे प्लेटफॉर्म पे चल रहा है। शिव पुराण हो गई, योगानंद जी की बुक हो, जैसे गुरु जी कहते थे योगानंद जी की बुक हमें पढ़नी चाहिए, वो भी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर, सत्संग यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में शेयर हुए। सो आई थिंक ये सब गुरु जी महाराज कर सकते हैं। और आज का भी तो सत्संग है, देखिए ये भी गुरु जी की आज्ञा से ही सब स्टार्ट होने जा रहा है। सो पुरानी संगत जब यहाँ जुड़ेगी और अपने सत्संग को शेयर करेंगे जो लाइट ऑफ डिविनिटी में है, तो आई थिंक वो और ही कुछ होगा, वो डिग्निटी ही कुछ और होगी। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का, गुरु जी इस प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए, अपने आप से जोड़ने के लिए, क्योंकि गुरु जी से जुड़ना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी संगत ये ना समझे, देखिए कई बार लोग कहते हैं कि हम नए हैं या पुराने हैं, नया पुराना देखिए कुछ नहीं होता, बस जिसने दर्शन कर लिए वो पुराना हो गया, जिसने नहीं किए वो नया अपने आप को मानते हैं। लेकिन हम लोग कब से जुड़े हैं हमें खुद भी नहीं इस बारे में पता कि गुरु जी ने हमें कितने जन्मों से हमें जोड़ रखा है, हम कब से जुड़े हुए हैं। अगर गुरु जी ने आपको जोड़ा है तो ये आप मान के चलिए कि कहीं ना कहीं आप कितने जन्मों से जो है गुरु जी से आप जुड़े हुए हैं। आज सावन का महीना शुरू हुआ है और कल गुरु पूर्णिमा थी, उसकी बहुत शुभकामनाएं। तो उसमें मैं पढ़ रही थी कि भगवान शिव ने भी माँ पार्वती को 107 साल उन्हें कहीं और जन्म लिया, और 108वें जन्म में उन्होंने उनको अपनाया था। तो वो जन्मों से देखिए उनके जो भी कर्म थे, क्योंकि माँ पार्वती को थोड़ा अहंकार था कि मैं तपस्या कर रही हूँ, देखिए वो उनकी मैं खत्म की। तो गुरु जी तो चाहते हैं कि अहंकार नहीं करना, निंदा नहीं करनी, चुगली नहीं करनी। तो आई थिंक जितने सत्संग हमारे सामने आएंगे तो उसमें बहुत सारे हमें मैसेजेस मिलने वाले हैं, और डेफिनेटली संगत जो है जो भी आती रहेंगी वो थोड़ा डिटेल में इसको शेयर करेंगी। सो आई थिंक बहुत गुरु जी ने ये हमें देकर बहुत बहुत हमें ब्लेसिंग दी है, बहुत कृपा की है। सो बहुत बहुत शुक्राना, और थैंक यू अंकल, थैंक यू संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना। ओवर टू यू वासन अंकल। थैंक्स अ लॉट डॉक्टर नीलम आंटी। शुक्राना गुरु जी महाराज का ही है, हमेशा प्रेरणा देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आदरणीय गोपाल सेठी अंकल जी से रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ सेशन को के जो रीडिंग के पेजेस हैं वो हम स्टार्ट करते हैं आज। स्टार्ट अंकल आप कीजिएगा प्लीज़। ओवर टू यू गोपाल सेठी अंकल। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अंकल मेरी आवाज पहुंच रही है? अंकल यू आर ऑडिबल। ओके। जय गुरु जी, संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और आप सभी संगत जी को प्यार भरा नमन। सबसे पहले गुरु पूर्णिमा और आज से जो सावन का महीना शुरू हो रहा है उसकी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। गुरु जी की कृपा हम सब पर इसी तरह बनी रहे, यही हमारी कामना है। और बहुत सुंदर प्रयास है ये वासन अंकल और उनकी टीम की तरफ से, मल्टीलिंगुअल जो टीम है, जूम सत्संग टीम, बहुत ही सुंदर प्रयास किया है उन्होंने कि सब तक ये लाइट ऑफ डिविनिटी पहुंचे। लाइट ऑफ डिविनिटी बहुत लोगों तक एज ए बुक पहुंची हुई है, एज ए ग्रंथ पहुंची हुई है, लेकिन सत्संग जिनके हैं वो अगर खुद पढ़ के वो बताएं तो उसमें वो भाव भी शामिल हो जाता है। तो इसीलिए ये प्रयास है कि भाई आप जब पढ़ें, जो सत्संग आपने पढ़े हुए हैं, आई एम श्योर सभी ने पढ़े हुए हैं, सभी सत्संग पढ़े हुए हैं, तो जब आप उनको उन्हीं के मुख से या उनके किसी निकट संबंधी के मुख से सुनेंगे तो आपको और भी आपकी आस्था और भी बढ़ेगी। मैं ये तो नहीं कह सकता कि आनंद आएगा, आनंद तो आएगा ही, लेकिन ये जो सत्संग है
ये एक आस्था का माध्यम है हम सबके लिए। और जैसा अभी नीलम आंटी ने बताया, आप सब लोगों को पता ही है कि लाइट ऑफ डिविनिटी, जिसका हिंदी वर्जन है दिव्य आभा, ये अपने आप में एक यूनिक ग्रंथ है। हम देखते हैं ऑटोबायोग्राफीज देखते हैं, जिसमें ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी का ही अगर एग्जाम्पल ले लें, तो उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी अपने बारे में लिखा, वो कैसे उनकी जर्नी थी। फिर कोई अपने गुरु के बारे में बात करना चाहता है या अपने किसी ध्येय के बारे में बात करना चाहता है, तो वो लिखता है, वो अपने गुरु के बारे में लिखता है, अपने उसके भाव होते हैं। जो वेद पुराण लिखे गए, उसमें ईश्वर की वाणी, जो जैसी संतों ने सुनी, देवताओं ने सुनी, उसको वैसे वैसे वो लिखते चले गए। लेकिन ये जो ग्रंथ है लाइट ऑफ डिविनिटी, ये गुरु ने नहीं लिखी। गुरु ने अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को बोला कि तुम जा करके जो कुछ भी तुम्हारी आस्था मेरे प्रति है, या जो कुछ भी तुमने मुझसे पाया, उसके बारे में अपने ही भाषा में, अपने ही भावना से लिखो। और संगत ने लिखा भी, क्योंकि मैं साक्षी हूं इस बात का, उस समय का, जब गुरुजी ने बुला बुला करके संगत को बोला कि अपने सत्संग लिख के लाएं। मैं अपनी बात बताता हूं कि मुझसे कहा अपने सत्संग लिख के लाएं, वधियाजा लिख के लाएं और टाइप करा के लेके आएं। तो वो टाइप कराया, मैंने टाइप करा बल्कि, और ला करके गुरुजी को थमा दिया। गुरुजी ने अपने हाथ में ऐसे पकड़ा कुछ क्षण, और फिर उसे कहा अच्छा जीतू नु दे दे। तो ऐसे ही इसमें 100 सत्संग है लाइट ऑफ डिविनिटी में। तो आप जान लीजिए कि 100 सत्संग, 100 संगतों को बोला, वो लिख के लाए। किसी किसी को उन्होंने बोल दिया डायरेक्टली जीतू भैया, जितेंद्र पंत जो आप जानते हैं, उनको देने के लिए, और किसी किसी से लेकर के खुद वो जीतू को दिए या किसी के थ्रू जीतू को पहुंचाए। कुछ ऐसे सत्संग भी थे जिसमें गुरुजी ने हाथ लगा के ऐसे पढ़ा पढ़ा, मतलब अपने, वो तो दिव्य शक्ति है, दिव्य जो दिव्य चक्षु है उनके, उन्होंने उसको पढ़ लिया और कहा ना ठीक नहीं है, दोबारा लिख के लिया। फिर किसी को दो दो बार भी बोला कि नहीं ठीक से लिख के लिया। तो अब तो ये कुछ बातें जो यूनिक मैंने कहा। अब इसमें हम अपने बारे में लिख रहे हैं, लेकिन उस अपने बारे में लिखे हुए से गुरु की महिमा बखान होती है। तो ऐसी कोई मुझे, मेरे जानकारी में नहीं आती, आई एम सॉरी, आई एम नॉट अ वेरी वेरी वेल रेड पर्सन, लेकिन मेरी जानकारी में ऐसी कोई पुस्तक मैंने नहीं देखी जो किसी ने किसी के बारे में, अपने ही बारे में लिखी, और उससे किसी किसी की दिव्यता के बारे में ये हमें सूझबूझ मिले, ज्ञान हासिल। तो ये थोड़ी सी एक भूमिका थी, और भूमिका लाइट ऑफ डिविनिटी में भी है, जिसे प्रीफेस कहते हैं। तो लाइट ऑफ डिविनिटी इन इंग्लिश, आई एम गोइंग टू स्टार्ट टुडे सेशन बाई रीडिंग प्रीफेस एंड देन बाई रीडिंग श्री गुरु सिमरन एंड अ फिंगर दैट पॉइंट्स टू द मून। तो गुरु जी से आज्ञा लेकर के पहले से ही मैं मेरे पाठन में, मेरे कुछ व्याख्यान में जो भी त्रुटियां होंगी, उनके लिए मैं गुरु जी आपसे पहले से ही क्षमा मांग लेता हूँ। मेरा प्रयास, आप मुझे ऐसा प्रयास करें, प्रयास दें कि वो ठीक से मैं, क्योंकि इन जो आज की रीडिंग है, इनमें गुरु की महिमा का बखान, गुरु क्या होता है, गुरु क्या करता है, गुरु हमारे तक कैसे पहुंचता है, गुरु हमको अपने साथ कैसे ले जाता है, ये सब इन चैप्टर्स में है। तो विदाउट एनी फर्दर अडू, आई स्टार्ट रीडिंग। आई फर्स्ट रीड द प्रीफेस। द प्रीफेस सेज द बुक ऑफ ब्लेसिंग बिगेन एट श्री गुरुजीज बेहेस्ट। दोज whom he would ask to narrate or write down their satsangs would offer them to him.
He would then pass it on for his website and his book. 2 years ago, one did not know the reason for this exercise. Now it is apparent. Despite a year of labor, the book could not be laid at his lotus feet. He had not meant it to be, obviously. It's Guruji only who wills, and how this will happen, he has predetermined that. Guruji had predetermined that ke kaise hoga, kaise nahi hoga. To bahut prayason ke baad bhi hame safalta nahi mili, jaisa ke jo iske editor hain unhone likha hai. These are not just cherished and unique memories. These are experiences in and of faith. They are the first moments of love towards the divine. They embody the ever-living spirit. They are sacrosanct. Ek mohar lagi hui hai divinity ki ispe, and that is how the name has come, Light of Divinity. Guruji's divinity, Guruji's light, Guruji's Om, Guruji's Ekonkar. They embody the ever-living spirit. They are sacrosanct. May they bring his blessings into your lives wherever you read them. And we all experience it. Whenever you sit down, read any satsang, you are able to correlate it with whatever has happened in the recent past or which is likely to happen in future, which you will come to know little later. But every satsang, and it has happened so many times that suddenly somebody starts and you open a page and you find that, oh, this is what just has happened to me, or this is what I needed some guidance from this particular aspect. So this is how Guruji destines. This is how Guruji has created his small little world. I'm saying small little world because we are just about few million. Sara Brahmand unka hai. I'm sorry. Sara Brahmand Guruji ka to hai, par sare Guruji ke hain ye hum nahi keh sakte. Kyunki hamari apni apni fascinations हैं, हमारी अपनी अपनी चाहत हैं, हमारी अपनी अपनी इच्छाएं हैं, हमारी अपनी अपनी मांग है, उसके हिसाब से हम पिक एंड चूज करते हैं. तो एनीवेज, सो आई नाउ स्टार्ट रीडिंग द फर्स्ट, इट्स ऑल्सो एडिटोरियल कह सकते हैं इसको, इट्स श्री गुरु सिमरन. आर मदरलैंड हैज बीन ब्लेस्ड विद द प्रेजेंस ऑफ महापुरुष who have since millennia been the helmsman of its destiny. ये भारत की धरती है, ये सदियों से महापुरुष इस धरती पर ही जन्म लेते हैं. जितने महापुरुष धरती पर जन्म लेते हैं, ऐसा कहीं और नहीं देखा गया है. It is to them in their sheer power to invoke, nurture and protect dharma that the country owes its survival, which is very true in today's date. हमारी संस्कृति है जो हमें कायम रखे हुए, हमें संभाल के रखे हुए, इस देश को संभाल के रखे हुए. ठीक है, जैसा मैंने कहा, हर एक की अपनी अपनी पसंद होती है, हर एक की अपनी अपनी थिंकिंग होती है. किसी को गुरु के दर्शन हो गए होते हैं तो वो सच समझता है, वो मान लेता है. जिसको नहीं होते उसको लगता है भगवान कौन है, कोई भी तो नहीं, गुरु क्या, गुरु की क्या महिमा है हमारे जीवन, क्या रोल है. सो दिस इज व्हाट इट लेज डाउन. इट इज टू देम दैट वी ओ द सस्टेनेंस ऑफ आर फेथ एंड द नर्चरिंग ऑफ आर यूनिक ऑल एम्ब्रेसिंग ईथोस. हमारे जो लोकाचार, जो शिष्टाचार, जो संस्कृतियां, जो जो हम शिव पुराण पढ़ते हैं, उनमें धर्म ग्रंथों में बहुत से डिस्क्राइब किए हुए हैं कि पुरुष को, मानव को, ह्यूमन बीइंग को कैसे अपना जीवन जीना चाहिए, कैसे पारिवारिक संबंध हो, कैसे सामाजिक संबंध हो, कैसे हमारे कंट्री से संबंध हो, कैसे हम अपना
जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको पूरा करें, जो हमारे कर्तव्य हैं समाज के प्रति, घर के प्रति, देश के प्रति, उनको कैसे पूरा, तो ये सब ये लिखा है। दीज इमॉर्टल सन्स ऑफ गॉड हैव बीन द टीचर्स ऑफ दिस कंट्री सिंस अ पास्ट अननोन टू हिस्टोरियन। किसी इतिहासकार को ये नहीं पता, हम सनातन धर्म बोल करके उनको चुप करा देते हैं। सनातन धर्म मतलब जो आदिकाल से चला आ रहा है, जब से सृष्टि बनी है तब से जो चला आ रहा है वो है, लेकिन हिस्टोरियंस को भी नहीं पता। वो अपने अपनी अपनी सीमाओं में, अपनी अपनी सोच के चलते हुए वो किस चीज का क्या इंटरप्रिटेशन लगाते हैं ये वही जानते हैं। बेहतर होगा हम अपनी सूझबूझ से, अपनी समझ से, गुरुजी से निर्देश पा करके, जो भी शिव पुराण में लिखा है, जो भी लाइट ऑफ डिविनिटी में लिखा है, जो भी हमारे सामने जो समस्याएं आती हैं उनको फेस करते हुए, जैसी सद्बुद्धि रब जी हमें दें हम उसको ग्रहण करते। दीज इमॉर्टल सन्स ऑफ गॉड हैव बीन टीचर्स ऑफ दिस कंट्री सिंस अ पास्ट अननोन टू हिस्टोरियंस एंड ओनली एलेगोरिकली रिप्रेजेंटेड इन मिथ्स। सरप्राइजिंगली व्हेन वी टॉक ऑफ रिलीजन और वी टॉक ऑफ रिलीजियस कंटेंट वी कॉल इट मिथ्स। मिथ तो अब वो माइथोलॉजी की अगर हम बात करें, ये मिथ नहीं है, ये कोई झूठी कथाएं नहीं है, ये सत्य कथाएं, जो श्रुतियां और स्मृतियां जो हम सुनते हैं पुराणों में, के रब से कुछ सुना, श्रुति किया और उसको हमने एज इट इज रिप्रोड्यूस कर दिया, वो श्रुतियां हैं। फिर रब से हमने कुछ सुना, वो अपने हिसाब से समझ के जितना हमें याद रहा उतना कर दिया, वो स्मृतियां हैं। तो ये ऐसा नहीं कि कोई झूठी कथाएं नहीं है। एक शब्द में गुरबाणी में आता है ना कि अगर ये मिथ्याएं भी हैं तो भी पढ़ने वाले को सीधे रास्ते लाने के लिए, अगर हम ये तो नहीं, मतलब धर्म ग्रंथ हमारे ये नहीं कहते कि ऐसा गलत काम करो, वो हमें सीधे रास्ते ही लाने के लिए कहते हैं ना। तो अगर वो मिथ भी हैं, हालांकि मिथ है नहीं, इतिहास है, इतिहास यानी कि जो पूर्व में घटित हुआ। इंडिया विद इट्स ग्रेट ब्रूड ऑफ मेन एंड वुमेन हैज सैट पेशेंटली बिफोर द सीट ऑफ द महापुरुषेस एंड लिसन। झुंड के झुंड हम देखते हैं, आज भी देखते हैं, लाखों करोड़ों में लोग जाते हैं प्रवचन सुनने के लिए, अपने इष्ट देव के दर्शन करने के लिए, दर्शन पाने के लिए हम मंदिरों में भी जाते हैं। ऐसे अनेक गुरु भी हैं जिनके दर्शनों के लिए, जिनके प्रवचन सुनने के लिए जाते हैं, लेकिन हमारे गुरु जी ने तो एक अलग ही माध्यम चुना, उन्होंने झुंड नहीं। जितनी भी संगत ने गुरु जी के दर्शन पाए हैं उनसे आप किसी से भी पूछेंगे, गुरु जी ने उनको सुना, उनको कहा, उनको समझाया, उनको प्यार दिया सबको। अब लाखों की भीड़ में इतना संभव नहीं होता कि महापुरुष के ठीक से दर्शन हो पाए, और उनकी बात जो लाउडस्पीकर पे आती है वो कितनी हम तक पहुंचती है, कितनी नहीं पहुंचती, क्योंकि हम तो उस वक्त अपनी परेशानियों में होते हैं। तो यही बात हमें यहाँ समझाई जा रही है कि इंडिया विद इट्स ग्रेट ब्रूड ऑफ मेन एंड वुमेन हैज सैट पेशेंटली बिफोर द सीट ऑफ द महापुरुष एंड लिसन एंड व्हाट इट लिसन टू हैज बीन गिवन अनस्टिंटिंगली टू ऑल लैंड्स टू ऑल मैन। उन्होंने भी, जो भी महापुरुष हुए, ये तो गुरु जी का एक अपना यूनिक तरीका था, और आज उसी यूनिकनेस को हम पूजते हैं, आज उसी यूनिकनेस को हम नमन करते हैं कि गुरु ऐसा, क्योंकि आज भी जब वो फिजिकल स्वरूप में नहीं है तब भी वो जाकर के ऐसी संगत जो उनको नहीं मिल पाई थी, जिसने केवल स्वरूप कैलेंडर्स में या पिक्चर्स में देखे हैं, वो उनसे जाके मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनको कुछ कहते हैं, उनकी कष्टों को दूर करते हैं। तो ऐसे गुरु तो निराले ही हुए। फॉर इंडिया इज बिलीव ऑफ द सेंट्स इट्स स्ट्रीम्स इट्स हिल्स इट्स प्लेसिड प्लेन्स इट्स आइसी पीक स्पीक्स ऑफ अ यर्निंग फॉर द डिवाइन दैट इज इट्स लाइफ ब्लड इट्स लाइन ऑफ फेट।
and the divine has often answered the call and descended to the humble abode of man. As I was mentioning earlier also, we are lucky to be born in India, जिसमें सब कुछ है, पहाड़ भी हैं, नदियां भी हैं, रेगिस्तान भी हैं, पठार भी हैं, खनिज भी हैं, सब कुछ है, मतलब धन भी है, वैभव भी है, अगर हम उसको ठीक से इस्तेमाल नहीं करते वो हमारी गलती है। सब कुछ है इस धरती पर, हम जहां चाहें जैसे चाहें एंजॉय कर सकते हैं, नदी किनारे जाकर के ध्यान लगाना चाहें वहां लगा सकते हैं, पहाड़ों की ओर जाना चाहें वहां जा सकते हैं, सागर है, सागर से घिरा हुआ है, चारों मौसम है यहाँ, चारों क्या छह मौसम है हमारे, हर देश में ऐसा नहीं होता। और उस पर सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ महापुरुष इस धरती पर जन्म लेते हैं, वो हमें बार बार चेताते हैं, जताते हैं, समझाते हैं, और काशी जो महादेव की नगरी है, जहां ये समझाया जाता है शिवपुराण में कि अगर हम वहां जाकर के बस जाते हैं तो मोक्ष भी संभव है, और वो महादेव की कृपा से। विद इन आवर एरा गुरुजी वॉज द एम्बॉडीमेंट ऑफ द डिवाइन, ही वॉज द महापुरुष ऑफ आर एज, ही केम टू अपलिफ्ट ह्यूमैनिटी आउट ऑफ द मोरास ऑफ मेटीरियलिज्म। मोरास मीन्स दलदल, हम जो भौतिक पदार्थों की दलदल में उलझे हुए ना, उससे बाहर निकालने आए, और कहने तुसी किचड़ फंसे हो, बंबड़ भूसे पे हो, मैं तुहानू बाहर कढ़ना आया। सो दिस इज वॉट हैज बीन रिटन बाय द एडिटर दैट ही केम टू अपलिफ्ट ह्यूमैनिटी आउट ऑफ द मोरास ऑफ मटीरियलिज्म, ही केम टू गाइड इट टू इट्स राइटियस ड्यूटी, ही केम टू लेसन द सॉरो ऑफ मैन, एंड वी ऑल नो दैट हमारे हम जितने भी अधिकांश, अधिकांश मैं कह रहा हूं तो मीन्स 99% और 99% प्लस हैव गॉन टू एलिविएट देयर फिजिकल और मेंटल सॉरोस। वेरी रेयरली समबडी हैज गॉन दैट ओके आई हैव हर्ड अबाउट अ महापुरुष, मैं उनके दर्शन कर रहा हूं, ऐसा बिरला ही कोई होगा मेरी जानकारी में। He came to lessen the sorrow of man, to show him his true image, to teach him the forgotten art of love and of sharing. He came to revive dharma and to replant it in more conducive surroundings. And now this is very important, Sangati. He has created conducive environment for all of us. He knows in Kali Yuga we are very, very occupied in our material gains, in our material needs. So he chose and selected a time which suits everyone, the businessman, the serviceman, any class, evening. Go there, you are tired of today, your daily routine, and you are served chai, which is chai prasad, which contains huge blessings of Guruji. So this is what the conducive surrounding is. And he never wanted to preach anything. Whatever he wanted to preach has been through Gurbani. And what we are doing. And because, see, Guru is Gyan. So Guru has come to reveal his identity. If we have those eyes to see him in the right spirit and right frame. So, he said that he was an evolution of divine light. This is what many of us heard in Guruji's presence when somebody asked him, Guruji, tu sikh ki ho? Kuch daso tusi. To wo kehte the pyar se muskura ke, main light ha, main jyot ha. Kisi kisi ko bola, main om ha. अब आप अंदाजा लगा लीजिए, अब आप खुद ही समझ लीजिए कौन है, समझ गए हैं हम काफी। ही वॉज नॉट अ बॉडी, द पर्सनैलिटी फॉर हिम दीज वर सो टू से द बॉडीली ड्रेसेस ऑफ एग्जिस्ट। अब हमारे को समझाना है तो हमारी जैसी शेप एंड फॉर्म तो लेके आना ही पड़ेगा ना रब को। हम इस जलती हुई ज्योत से कितना सीख पाते हैं, सिर्फ इतना ही ना कि ये उष्णता देती है, हमें किसी महापुरुष ने कहा है कि घर में जोत जलाया कर, वो अच्छा लगता है।
तो इस ज्योत को, उस ओंकार को एक स्वरूप लेके तो आना पड़ता है। और गुरु जी कहा करते थे कि बस हाड़ मास का पुतला समझ के मुझे लोका ने, मतलब पीपल डिड नॉट केयर फॉर हिम, दे जस्ट थॉट के ओके कोई आ गए हैं महापुरुष, सब हम जाते जाते हैं, जाते रहते हैं, जा रहे हैं, जाएंगे भी, मेरा ये दुख दूर कर दो, मेरा ये कष्ट दूर कर दो, फिर आकर के फिर वही करेंगे, फिर और कष्ट उत्पन्न कर लेंगे, फिर जा करके कहेंगे कि मेरा ये कष्ट, तो हमारी डिमांड तो कभी खत्म हो नहीं। ही वॉज नॉट अ बॉडी, अ पर्सनैलिटी फॉर हिम, दीज वर सो टू से द बॉडीली ड्रेसेस ऑफ एग्जिस्टेंस, ही वॉज द ब्लूमिंग फ्लावर एंड द डिवोटीज वर द हमिंग बीज कमिंग फॉर डिवाइन नेक्टर। भंवरा होता है ना, फूल पे बैठता है, वो उसकी सुंदरता नहीं देखता, उसके अंदर से जो अमृत मिल रहा है वो उसको उसका पान कर। हमको भी भंवरा बनना चाहिए ताकि हम गुरु के स्वरूप से, गुरु के वाक से, गुरु की वाणी से जो अमृत मिल रहा है उनके स्वरूप से भी अमृत प्राप्त। हम सब देखते हैं अभी भी ऐसे बहुत से आयोजन देखते हैं, हम सुनते हैं, जहां गुरु के स्वरूप से अमृत वर्षा हो रही है। तो वही गुरु वही समझाता है कि मैं जो तुम्हें देने आया हूं ना वो लो, और वो देने कैसे आए, गुरबाणी के शब्द श्रवण कराकर, अपना शिवपुराण का पाठन बताकर, हमें और भी कईयों को कई कई पाठ बताए, आई एम जस्ट नेमिंग शिवपुराण बिकॉज इट्स बीन सेड टू मेनी मेनी संगत, एंड ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग उन्होंने हमारी, देखिए उन्होंने दोनों तरफ का हमारा किया, इस जीव को क्या चाहिए, शारीरिक स्वास्थ्य चाहिए जो हमें खाने से मिलेगा, जो हमें पीने से मिलेगा, उत्तम खाएंगे उत्तम पिएंगे तो हमारा शरीर ठीक रहेगा, और वो उत्तम खाना उन्होंने उपलब्ध कराया, अपना ब्लेस्ड लंगर प्रसाद, थके हारे आए हो पहले चाय पी लो, चाय प्रसाद ग्रहण कर लो, फिर उसके बाद लंगर मिलेगा। ऐसा कोई मंदिर, ऐसा कोई स्थान देखा जहां आपको कुछ नहीं करना, जो कुछ करना है रब को ही करना है, और रब यही बताना चाहता है, इसमें मैसेज यही है कि तुम हम कुछ नहीं है, जो कुछ है वही है, तू ही तू ही तू ही तू ही। तो ऐसे ही हमको भावरा बन के उनका अमृत पान करना है। दे वर ड्रॉन एंड दे फेल इन लव विद हिम एंड ही टॉट देम लव, दिस इज वेरी ट्रू, नाउ वी नो व्हाट इज लव बिकॉज वी हैव स्टार्टेड लविंग हिम, आर क्वांटम में डिफर बट एवरीबडी लव्स हिम फॉर व्हाट एवर रीजन इट मे बी, इट मे बी फॉर आर पर्सनल गेन्स और इट मे बी फॉर आर स्पिरिचुअल गेन्स और इट मे बी फॉर आर मटीरियल गेन्स, but we all love him and he taught them love, renunciation and wisdom, the very virtues on which India stands. These are no words to describe or evoke a Mahapurush like Guruji, for words cannot capture the infinite. Tere gun bhate re, main kaise, main to keh nahi sakta, main ga nahi sakta, isliye hum देखते हैं सत्संगों में हम उनकी गुणगान कर रहे हैं, कोई भजन के माध्यम से कुछ, क्या ये गुरुजी ने ऐसा कहा हमें, क्या डज गुरुजी डिजायर दिस टू हैपन, इट इज गुरुज क्लास, इट्स गुरुज यू नो लेक्चर रूम वेयर वी आर गोइंग इन अ सत्संग एंड गुरु इज टीचिंग अस थ्रू द शब्द बाणी, सो इट्स आर ड्यूटी, if we are you know withering away from the reality it's up to us, only God will save us, but the prime fact is mata pita ko wahi bachcha acha lagta hai jo unki aagya ka palan kare, jo ye kehta raha hello good morning papa, hello good morning mummy, aap bahut acche ho, aap mere liye acha khana banate ho, aap ye karte ho, aise karke mata pita to nahi prasanna hote hain kyunki bacche hain, lekin वो बच्चा ज्यादा अच्छा लगता है जो जो पिता ने कहा कि बेटा सिगरेट पीना छोड़ दे तो छोड़ दी, फिल्म देखना छोड़ दे तो छोड़ दी, वो बच्चे ज्यादा अच्छे लगते। तो यही बात ये यहाँ कही गई है कि
देर आर नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब और इवोक ए महापुरुष लाइक गुरु जी, फॉर वर्ड्स कैन नॉट कैप्चर द इन्फिनाइट लाइक साइन पोस्ट, दे कैन ओनली इंडिकेट द वे एंड हेल्प द ट्रेवलर अलॉन्ग. वी आर ट्रेवलर्स एंड गुरु इज आर साइन पोस्ट. गुरु इज टेलिंग अस गो राइट, गो लेफ्ट, गो स्ट्रेट. वी मस्ट फॉलो दैट, अदरवाइज वी लूज आर ट्रैक, अदरवाइज वी वोंट रीच आर डेस्टिनेशन. दैट्स द प्रॉब्लम. ही यूज टू से, गुरु जी कहते थे कि लोकी पुठे रास्ते पे हैं, मैं उन्हें सीधे रास्ते चलाना. तो सीधे रास्ता चलना वो बता रहे हैं हमें, हमको समझना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए. दे आर मियरली विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु जी कैटलिस्ट, दे आर नॉट हिम एंड देयरफॉर दे शुड बी टेकन एज टूल्स एंड डिस्कार्डेड वंस दे हैव बीन मेड यूज ऑफ. He was known to all of us by a common noun that is perhaps the most common in a land of faith, Guruji. Yet, this Vedic word contained a vast hoard of meaning and energy. इस शब्द ने ही, और जब हम शब्द लेते हैं, शब्द को बोलते हैं, तो आप जब संबोधन करते हैं जय गुरुजी, आप सोचिए कितनी खुशी मिलती है अंतर से. और उन्होंने अपना नाम नहीं दिया, उनसे पूछा लोगों ने, वो आगे पढ़ूंगा मैं. इफ अ डिसाइपल एवर मेड सो बोल्ड एज टू आस्क हिम व्हाट हिज नेम वाज, ही वुड ऑलवेज से दैट महापुरुषा दा ना नहीं हुंदा, महापुरुष हैव नो नेम. क्या करना हमें नाम से? कबीर जी ने तो कहा, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए क्या. नाम जात उसमें कुछ नहीं रखा. ठीक है, हमारे सामाजिक सर्कल में होगा वो, लेकिन स्पिरिचुअल आध्यात्मिक मार्ग पे इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं. तू ही तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा भ्राता, सब कुछ तो वही. तो फिर क्या नाम, नाम से क्या लेना. एंड विद दिस स्टेटमेंट ही टोल्ड अस हु ही वाज, एन एम्बेसडर ऑफ गॉड, द किंग ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स ने हिम हिमसेल्फ, फॉर द गुरु इज गॉड, द गुरु नोज नो वन एल्स बट गॉड. The Guru has no separate identity from that of God. It is now said that he attained Mahasamadhi on 31st May 2007, and we believe it because we had begun to know him as a body and a personality. And that is what our problem lies. उनको अभी भी शरीर रूप में देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं. और उन्होंने शरीर त्याग कर यही हमें सबसे बड़ा संदेश दिया कि मेरे उस स्वरूप से नाता बनाओ. ना हम ऐसे दिखेंगे, ना वो ऐसे दिखेंगे. अभी हम हमारे ड्रीम्स में हमारे कैसे भी वो हमें ऐसे दिखेंगे, लेकिन अगर हम, जैसे उन्होंने कहा, गुरुजी ने स्वयं कहा कि तुम नहीं जानते तुम मेरे साथ कब से जुड़े हो. हम कैसे जानेंगे, क्योंकि अलग अलग हमारा भी स्वरूप कोई और था, गुरु का भी स्वरूप कोई और था, और हम वो सब भूलते जाते हैं. इसलिए अगर हम उस डिविनिटी को याद रखें जो लाइट ऑफ डिविनिटी है, तो फिर हमारा नाता नहीं टूटेगा, हमारा कनेक्शन नहीं टूटेगा. हम कनेक्शन सीमित रखना चाहते हैं, ये बात यहाँ समझाई जा रही है. And we believe it because we had begun to know him as a body and a personality. We had become attached to him. We should stay attached to him, but in a different form, in a different format. It is now said, sorry, but in the blink of an eye, his body was gone. He drew the curtains on the role he chose to play, for he was an avatar, a descent of divinity into flesh. He was Shiva, Nanak, and love incarnate. His maya was powerful and as its beguiling best. Beguiling means he was deceptive. हमारे सामने बैठे होते थे, कोई आभास, कोई माया का आवरण ऐसा चढ़ा के रखा उन्होंने हमारे चक्षु पर, अपने स्वरूप पर, कि हमारी समझ में नहीं है. ये तो बाद में समझ में आया, या जब शिव पुराण पढ़ी और उसमें गुरु का स्वरूप जब देखा, शिव जी का स्वरूप देखा, तो अरे हम तो पहचान नहीं सके. कैसे पहचानेंगे, हमारे आंखें तो उसमें शक्ति है नहीं. गुरु जी ने स्वयं कहा
किसी संगत को कि मैं तुम्हें वो डिवाइन दर्शन दे सकता हूं पर तुम्हारी आंखें बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। जिसने 10 वॉट 20 वॉट के एलईडी बल्ब्स की रोशनी देखी हो उसे हजारों वॉट का बल्ब कैसे बर्दाश्त होगा। वी सॉ हिम एज अ बॉडी एंड एज अ पर्सन येट इट वॉज नेवर सो ही वॉज एंड इज एक ओंकार एंड ही रिमेन्स एज आर होली फादर एंड वी रिमेन फॉर एवर हिज चिल्ड्रन एरंट इट सीम्स टिल वी लर्न टू लिसन टू हिम एज इंडिया ऑलवेज हैज पेशेंटली फुल्ली। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दीज टू वर्ड्स signifies a lot. We have to listen to him patiently and fully. Only then we will be able to achieve what he wants us to achieve. If we are in a hurry to, okay, Guruji ka do shabd sune aur Guruji ne mujhe kuch nirdesh diya, jaldi jaldi mein diya, Punjabi, gud Punjabi mein diya. 3, 4, 5, 6 लाइनें बोल रही उन्होंने, मुझे कुछ कुछ शब्द सुनाई दिए, मैं बाहर आया, शर्मिंदा था मैं अपने आप के कैसे नहीं, लेकिन वो गुरु की कृपा थी। मैंने गुरु जी से अरदास की मनी मन, मैंने कहा गुरु जी जो आपने कहा वो मैं पूरा सुन नहीं पाया लेकिन आप मुझे समझा दें, और उन्होंने समझा दिया। It is said and it is true that by merely listening to the Guru, one becomes enlightened. Listen well, then, with these few pages, these satsang to what Guru has to say. It is his gift to his beloved children and it is his word to you. Sachi baat hai, ye humare sab ke liye ek bahut bada upahar hai. Jo English mein padhna chahte hain, wo light of divinity. Jo Hindi mein padhna chahte hain, wo divya abha. गुरु जी की कृपा है, इसके लिए आपको कुछ पैसा नहीं खर्च करना पड़ता। ये गुरु जी के आश्रम की ओर से एक भेंट है सब गुरु संगत के लिए, जो संगत उनकी कृपा समझकर इसको छपवाती हैं, करती हैं, और सभी जो जो इसके इच्छुक हैं। लेकिन सवाल यह है कि इच्छा तो सभी की करती है कि मेरे पास ये भी हो, मेरे पास वो भी हो, लेकिन इसकी यूटिलिटी तभी है जब हम इसको अच्छे से पढ़ें और मनन करें। ओके, सो दिस एंड्स द चैप्टर। सॉरी, आई एम गुरु सिमरन। नाउ आई हैव टू मूव टू अनदर चैप्टर। अ फिंगर दैट पॉइंट्स टू द मून। दिस इज एन एनालॉजी, ईडियम है फिंगर दैट पॉइंट्स टू द मून। नाउ व्हाट वी नॉर्मली डू व्हेन somebody points a finger at anything, we try and look at the finger, not the moon. And this is what is desired. If Guru is pointing out the finger to the moon, to the ultimate, we must care for that, not look at his finger. It's a Zen teaching, actually. Zen teaching mein ye bataya jata. Aur Buddha ne bhi, Buddha ki teaching jab hoti, to usme ye samjhaya jata ki we should not look at Buddha's finger, we should look at the moon. And yesterday it was full moon, और गुरुजी ने कहा कि मून में मेरे दर्शन होंगे, विशेषकर पूर्णिमा के मून में और गुरु पूर्णिमा तो होंगे। Now, a finger that points to the moon. Imagine a towering mountain and a blemishless mirror fused into one. Imagine, if you can, that this mountain was made of incandescent light, and imagine that you were put before this mountain. Your breath frozen in your throat, you looked at it. हमने गुरु को देखा, आप सब भी देख रहे हैं, कोई ये अलग नहीं है। मन में आंखें बंद करके झांके, गुरु जी उसी स्वरूप में बैठे दिखाई देंगे, बशर्ते के अब गुरु को बुलाते हैं, हम साफ सफाई करते हैं तो अंतर मन की भी करते हैं। This is what your first darshan of Guruji would be like, which is very true, when he wills this meeting to happen. Now, Guruji would tell us to call new sangat, nami sangat lekhe aao, nami sangat lekhe aao. We would tell to people, but who cares? They don't want to.
हमारा जो हमारे जो नीच कर्म है ना, वो हम गुरु को आई टू आई नहीं देख सकते, गुरु को रब को आई टू आई नहीं देख सकते। हम हमेशा या तो ऐसे देखते हैं या सिर झुका के देखते हैं, क्योंकि पहली बात आंखों में वो शक्ति नहीं, दूसरी बात गुरु का सामना कैसे करेंगे सच्चे गुरु का। गुरु जी तो कहते थे खोल दी फाइल, अब अगर फाइलें खुलेंगी, वो फाइल खोलने के दो मतलब है, एक तो हमारे कर्म कांड नजर आ जाएंगे, वो तो वैसे भी नजर आ रहे हैं फाइल कहीं ना कहीं, दूसरा फाइल खोलने का अभिप्राय तो यह कि फाइल को आगे बढ़ाना है, तुम्हारी पिछले जो लोन्स हैं या जो भी हैं वो सब माफ करने हैं, फिर आगे बढ़ो, आगे जिंदगी शुरू करो, गुरु तो ऐसा कर देता है, लेकिन क्या हम उसके लिए तैयार होते हैं। ही विल पेनिट्रेट इन टू द कोर ऑफ योर बीइंग। सच्ची बात है, गुरुजी एक आंख ऐसे उठा करके देखते थे, वो पूरा एक्सरे हो जाता था और हम सहर जाते थे, सच में आंख से आंख नहीं मिला पाते थे, कभी दर्शन की अभिलाषा होती थी या तो आंख बंद करके बैठ जाते, कभी खोल के देखते थे गुरुजी क्या कर रहे हैं। तो गुरुजी की जब निगाह हम पर पड़ती थी तो भटक जाती थी हमारी निगाह। He will penetrate into the core of your being. You will be denuded of all pretensions. Your soul will be exposed to his gaze. बहुत सुंदर पैराग्राफ है। You will be denuded. Denuded मतलब हम मना कर देते हैं। जैसे मैंने कहा कि जब आंख उनकी पड़ती थी तो हम फट से नीचे झुका लेते, हम मना कर देते कि आप मत देखो। You will be denuded to of all pretensions. Your soul will be exposed to his gaze. And when you see yourself in him, when you glimpse your own lion-like divinity, you will truly be his disciple. अगर सच्चे मन से हम हमें प्यार हो गया है और अगर गुरु को हमने वायदा कर दिया कि गुरु जी जो हो चुका आगे हम ऐसा नहीं होगा, फिर उसके बाद हमें शर्म नहीं आएगी गुरु की आंखों में, आंखें सामने गुरु भी प्यार से हमें अपने गले लगा संभाल लेंगे। Do not imagine that this meeting will not happen. Do not imagine that the guru was made up of the body and has disappeared into the void. नई संगत जो बाद में जुड़ी है 2007 के, उनको ये मलाल दिखता है, तो वो ये बात सुन करके वो अपने मन से मलाल ना निकाल दें कि गुरु सिर्फ एक एम्बॉडीमेंट नहीं है, वो शरीर नहीं। Do not imagine that the guru was made up of the body and has disappeared into the void. And do not imagine that this meeting will not happen. There are more darshans to come, 100,000 meetings to happen, and a majestic promise to be fulfilled between Guruji and his beloved disciples. The promise of love that the Guru and the disciple be united in the clasp of eternity. Guru ko pakad ke rakhna hai humne uski eternity tak, uske anant kal tak. Hamara anant kal hai. Guru to हमारा अंत काल है, लेकिन गुरु का तो अनंत काल है। तो हम अगर उनको पकड़ के रखेंगे, गुरु की आज्ञा से ही अगला कोई अगर शरीर पाएंगे पाएंगे, नहीं पाएंगे तो हो सकता है वो अपने लोक में कहें भाई उधर जाके बैठ जा, अब कोई जरूरत नहीं इस बेकार के संसार में जाने की। वी कैन कीप आवर पार्ट ऑफ द प्रॉमिस बाय बिगिनिंग टू नो आवरसेल्व्स फॉर द सतगुरु। आवर गुरु जी इज अ मिरर पुट अप बिफोर आवर आईज so that we can recognize ourselves. Guru mein apne aap ko dekhna hai. The guru, as the world itself shows, removes the darkness. Sanskrit mein guru ko ka jo sandhi vichhed hai, wo gu jo andhere ko dur karta, gu andhera aur ru jo andhere ko dur karne wala. Removes the darkness gu of ignorance with the light ru of wisdom. In this nation's sacred tradition, the guru is put on a pedestal even higher than that of God. नीलमांटी ने बोला ना पहले आरंभ में, गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दिए बताया, तो पहले तो गुरु गुरु तो रब से भी ऊंचा, रब से भी बड़ा। और हमारी किस्मत, हम धन्य हैं कि हमें गुरु भी मिला, वो सबसे ऊंचे वाला, सबसे ऊंचा रब। We can keep our part of promise by beginning to know ourselves. For the Satguru, our Guruji, is a mirror put up before our eyes so that we can recognize ourselves.
The guru, as the world itself shows, removes the darkness of ignorance and the light of wisdom. In this nation's sacred tradition, the guru is put on a pedestal even higher than that of gods. He's seen as the sine qua non of the spiritual journey. Now, it's an idiom again, sine qua non, which means something absolute, something absolutely indispensable. तो गुरु हमारे लिए ऐसे ही हैं। ये गुरु वो नहीं है कि उन्होंने हमें हाई क्लास तक पढ़ा दिया और उसके बाद कोई और गुरु। ये गुरु वो नहीं है उन्होंने ग्रेजुएशन करा दी उसके बाद कोई और आएगा। ये गुरु वो नहीं है जिन्होंने मास्टर्स की डिग्री दे दी और उसके बाद आप जाइए। ये गुरु हमारी सांसों में, हमारे अंतर में, मन में विराजमान रहने वाले गुरु हैं। साइने क्वा नन, पढ़िएगा इसको। ऑफ द स्पिरिचुअल जर्नी, ही इज द गाइड विदाउट हुम द टेंटेटिव फर्स्ट टाइम क्लाइंबर एंड द स्टॉलवर्ट स्पिरिचुअल माउंटेनियर आर बोथ लॉस्ट। ही इज नॉट ओनली द पाथ, नॉट ओनली द गेट थ्रू विच द सीकर गोज, बट ऑल्सो द गोल। वो डेस्टिनेशन है हमारा, फाइनल डेस्टिनेशन, और उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने का मार्ग वही दिखाएंगे। ये समझने की बात। बट ऑल्सो द गोल, द टॉप ऑफ द माउंटेन, ही इज द पोल स्टार इन द जर्नी फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, फ्रॉम इग्नोरेंस टू सेल्फ इल्यूमिनेशन, एंड ऑल द स्क्रिप्चर्स ऑफ द वर्ल्ड आर बट फीबल कमेंट्रीज ऑन हिज नेचर। They are the fingers that point to the moon. So we need to remember this. There's no need for us to keep looking at the fingers. We need to keep looking at the moon, which means we have to look at the directions given by the God, by the Guruji. Not just the moon, wherever he guides us to go. आपने वो सत्संग सुना है ना कि गुरु नानक देव जी ने गुरु अंगद देव जी, तब तक वो अंगद देव जी नहीं, लहना जी थे, उनको कहा कि वो कुछ काम कर रहे थे, मिट्टी विट्टी निकाल रहे थे। उन्होंने कहा अच्छा ये कीचड़ की जो वो है ढेर जो है ये दूसरी तरफ है क्या। वो सुंदर वस्त्र पहन के, नहा धो के, सफेद वस्त्र पहन के आए हुए थे। गुरु नानक जी की पत्नी ने भी कहा अरे अभी वो आए हैं, उनको चाय पानी, तो फिर आपने उनको कीचड़ में लगा दिया। तो गुरु साहब ने कहा के कीचड़ में, अगर किसी को कीचड़ निकालना है तो कीचड़ में जाना ही पड़ेगा, तो तभी वो दूसरे गुरु बन पाए। सॉरी, सो ही इज द पोल स्टार इन द जर्नी फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, फ्रॉम इग्नोरेंस टू सेल्फ इल्यूमिनेशन, एंड ऑल द स्क्रिप्चर्स ऑफ द वर्ल्ड आर बट फीबल कमेंट्रीज ऑन हिज नेचर। दे आर द फिंगर्स दैट पॉइंट टू द मून। But when you have Guruji's darshan, the moon is right before you. That's very important to understand. But when you have Guruji's darshan, the moon is right before you, incandescent. If you choose to avert your gaze, not once, but again and again, the light of truth is too strong for you. The Guru's call is to the divine in you. His word or shabad, his hukam or fiat, is like the pebble that hits the lake. पानी में पत्थर मारते हैं ना, कैसे एकदम चारों तरफ उसमें तहलका मचाता है। तो गुरु की निगाह ऐसे ही है। अगर हमारा मन विकारों से भरा हुआ है तो उसमें हलचल मचनी आवश्यक है, नितांत आवश्यक है। और जैसा कि एडिटोरियल में उन्होंने लिखा कि अगर गुरु की आंख से आंख आप नहीं मिला पा रहे हो एक बार, दो बार, तीन बार करके भी, तो इसका मतलब कुछ और अंदर टटोलने की जरूरत है, और वो टटोल के फिर गुरु के सामने बैठिए। और कोई कुछ टटोलने की जरूरत नहीं, गुरु को देखने दीजिए। द गुरुज कॉल इज टू द डिवाइन इन यू, हिज वर्ड और शब्द, हिज हुकुम और फियट इज लाइक अ पेबल दैट हिट्स द लेक। द एंटायर लेक शिवर्स विद द फॉर्म ऑफ इट्स एनर्जी, and know that this energy is contagious, it is inescapable. ये संक्रामक रोग है, ये छूटने से भी नहीं छूटेगा, it is inescapable. लेकिन हमारी कमिटमेंट अच्छी होनी चाहिए कि मुझे गुरु से जुड़ना है। हमारी गति अलग अलग हो सकती है,
हमें अपने विकारों ने घेरा हुआ है, कोई शारीरिक कष्ट की वजह से हो सकता है, कुछ और कारण हो सकते हैं, लेकिन अगर हम धीरे धीरे भी चलें, सही मार्ग पर चलें, तो डेस्टिनेशन पे तो पहुंचेंगे ही। समय लग सकता है, वो गुरु देखेगा कि भाई इसकी नियत ठीक है, इसका प्रयास ठीक है, वो हमारा रास्ता कम कर दे। मीटिंग द गुरु और हैविंग हिज दर्शन इज नॉट लाइक गोइंग फॉर अ सोशल विजिट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हिच इज हैपनिंग दीज डेज। इट इज लाइक गोइंग टू वॉर नोइंग यू आर गोइंग टू लूज। इट इज लाइक वॉचिंग अ फायर बर्न द हाउस ऑफ योर ईगो डाउन। इट इज प्रिपरेशन टू मीट द हाइएस्ट, फॉर द सतगुरु रॉब्स मैन ऑफ हिज डिफेंस। यू कैन नॉट विन ओवर अ सतगुरु विद वर्ड्स, सैड। यू कैन नॉट पुट अप एन अपीयरेंस बिफोर हिम। हम कितने भी सुंदर वस्त्र पहन के जाएं, कितने भी बाल बना के जाएं, कितना भी मेकअप करके जाएं, गुरु ने तो अंतर मन देखना, वो साफ है। तो हम कैसे भी हों, शबरी के झूठे बेर भी खा लिया भगवान राम ने, विदुर के घर पे साग खा लिया जबकि दुर्योधन उनको मेवा। ही नोज द ट्रूथ ऑफ योर बीइंग, एक्सेप्ट दैट। पहले तो ये समझना चाहिए ना कि वो सब कुछ जानते हैं, तभी तो हम गुरु के सामने हम नग्न हैं, नग्न अवस्था में। गुरु सब कुछ जानता है तो उससे कुछ भी छुपाने की आवश्यकता नहीं है। हाइड नथिंग, डोंट प्ले गेम्स विद हिम, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन यू कम टू हिम, इट इज नॉट हु यू आर दैट मैटर्स, इट इज नॉट हाउ कंफाउंडेड यू आर और हाउ डार्क योर डीड्स वर और व्हाट प्रॉमिसेस ऑफ सेंटलीनेस यू आर नाउ मेकिंग। वॉट मैटर्स इज वेदर यू हैव सेड यस। क्या हो गया, क्या नहीं हुआ, कैसा था, क्या था, सब भूल जाए। गुरु के पास आ गए और कमिट कर दिया, यस हाँ गुरु जी, अब मैं तेरा 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 सच्चे पातशाह, रख ले गरीब जान के, बस इतना कहना काफी है। बाकी गुरु हमारे जो काले रंग हैं उनको साफ कर देगा। दैट यस इज द फर्स्ट मोस्ट फर्म फुट स्टेप ऑन द स्पिरिचुअल जर्नी। दैट यस ब्रिंग्स इन्यूमरेबल गिफ्ट्स। दैट यस क्लैप्स यू टू द गुरुज बीइंग विद अ फोर्स दैट इवन डेथ कैन नॉट संडर। दैट यस ब्रिंग्स द गुरुज एंटायर क्लेमेंसी हिज ग्रेस टू यू। ये हाँ ही है जो हमें दया का पात्र बनाती है, क्षमा का पात्र बनाती है। द रेस्ट ऑफ द जर्नी इज अ रीअफर्मेशन, फुट स्टेप बाय फुट स्टेप ऑफ द फर्स्ट स्टेप, दैट यस इज द मिरेकल, द रेस्ट आर द मिरेकुलस डिटेल। जैसे गुरु जी ने हमें कमिट किया, ब्लेसिंग्स ऑलवेज, डू वी नॉट रिक्वायर टू कमिट आवरसेल्फ, गुरु जी आई एम योर्स फॉर ऑलवेज, दैट्स व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट। The rest of the journey is an affirmation, footstep by footstep, of the first step, that yes is the miracle, the rest are the miraculous details. An ancient prayer invokes the Guru as Brahma, Vishnu, and Shiva. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Gurur Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurave Namah. The Holy Trinity of Gods. For the Guru's being is limitless. He is not just the creator, Brahma. He is not just the preserver, Vishnu. And he is not just the resurrector, Maheshwara, or God absolute, Parabrahma. He is all creation himself. He is the thousand-eyed, thousand-limbed, thousand-mouthed God. He is the seed, the spore, the sap, and the tree of life. Sab kuch to hai wo. एक पत्ता भी वही है, एक बीज भी वही है, वृक्ष भी वही है। नो वन नोज हिम, द वाइज आर साइलेंट अबाउट हिज नेचर, बट बिफोर द मिरर ऑफ द गुरु द डिसाइपल सीज एंड नोज। दैट सीइंग इज द ट्रू दर्शन, ऑल द रेस्ट आर प्रिलिमिनरीज दैट हेल्प लीड हिम देयर। दैट नोइंग इज ट्रूली टचिंग द गुरुज फीट, फॉर इन द मोमेंट ऑफ इल्यूमिनेशन द गुरु इज रिवील। ये देखिए कितनी उच्च कोटि की सांस्कृतिक प्रथा है हमारी,
हम बड़ों के महापुरुषों के पैर छूते हैं। जस्ट एक्सक्यूज मी, हम बड़ों के महापुरुषों के चरण स्पर्श करते हैं। इसके दो अभिप्राय, और चरण स्पर्श केवल चरण स्पर्श नहीं, एक तो हम पूरा झुक जाते हैं, पूरा सरेंडर करते हैं, साष्टांग प्रणाम करें तो और भी अच्छा है, लेकिन चरण स्पर्श करने में भी पूरा झुकना पड़ता है, अपनी ईगो को गिराना पड़ता है, अपने घमंड को, अपने स्टेटस को झुकाना पड़ता है। और चरण स्पर्श करना केवल चरण स्पर्श नहीं, उन चरणों पर चलते रहना, उस रास्ते पर चलना जिस रास्ते पर गुरु के चरण जा रहे हैं, दैट इज फार मोर इम्पॉर्टेंट। That knowing is truly touching the Guru's feet, for in that moment of illumination, the Guru is revealed. With footsteps of Shraddha, ये जो चरणों पे चलने की बात जो कही, उनके पद पद चिन्हों पे कहते हैं ना, हम हिंदी में शब्द इस्तेमाल करते हैं पद चिन्हों पर चलना। So with footsteps of Shraddha, this disciple's journey towards the Guru is very strange. The disciple is blind, he is ignorant and cannot see the path. He cannot move ahead on his own. It is the Guru who leads him on. Thus, the Guru is not only the goal of the disciple, he is also the guide. The one to whom we are attached with the rope of faith on our mountain climb. पहाड़ पे चढ़ते हैं तो रस्सी पकड़ पकड़ के चलना पड़ता है। उस रस्सी पर हमें ब्लाइंड फेथ होता है कि रस्सी टूटेगी नहीं। ऐसे ही गुरु पर ब्लाइंड फेथ होना चाहिए। लेकिन गुरु को परखना भी, वो भी बताया है यहाँ। ट्रस्ट दस इज द फर्स्ट प्री रिक्विजिट। इफ यू कैन नॉट ट्रस्ट द गुरु, यू कैन नॉट बी लेड। हेंस इवन दो द गुरु इज द फाउंटेन हेड ऑफ स्पिरिचुअलिटी, इट हैज बीन एडवोकेटेड दैट द वुड बी डिसाइपल चेक आउट द गुरु बिफोर होल हार्टेडली एक्सेप्टिंग हिम। वो कहते हैं ना कि आंख बंद करके गुरु नहीं अपना लेना चाहिए, गुरु नहीं बना लेना चाहिए, लेकिन जिसको गुरु बना लिया है उस पर आंख बंद करके भरोसा करना चाहिए। मस्ट हैव ब्लाइंड फेथ, यू शुड नॉट बी ब्लाइंड व्हेन चूजिंग योर गुरु। एंड वी आर लकी, ऑल ऑफ अस आर लकी दैट गुरु हैज चोजन अस, वी हैव नॉट चूजन गुरुजी, गुरुजी हैज चोजन अस। सो उसमें कोई शंका की बात नहीं होनी चाहिए। हालांकि गुरु जी कहते थे इफ एंड बट आ गए, किंतु परंतु आ गए, ठीक है। एंड ही डिड नॉट माइंड इट, ही सेड ओके, यू इंक्वायर अबाउट मी, इंक्वायरिंग डजंट मीन के उनका नाम क्या है, वो क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ सोते हैं, उनके घर कितने हैं, उनका मकान कितने हैं। नो, गुरु क्या यही गुरु है जो हमें सत्य मार्ग पर, सच्चे मार्ग पर, अल्टीमेट डेस्टिनेशन पर ले जा सकता है, ये जानने की जरूरत। द बुद्धा एडवाइज एज मच, जस्ट एज गोल्ड इज एग्जामिन थ्रू बर्निंग कटिंग एंड रबिंग, सो यू शुड थॉरली टेस्ट माई टीचिंग एंड एक्सेप्ट देम, बट नेवर आउट ऑफ रेफरेंस फॉर मी। मतलब ये नहीं कि अच्छा भाई हमने देखा 100 लोग इनके चरण स्पर्श करते हैं, 1000 करते हैं, लाखों इनके फॉलोवर हैं तो हम भी कर लें, स्टेटस सिंबल नहीं है गुरु। बुद्धा ने कहा कि जैसे सोने को परखते हो ना जलाकर, उसको शेप देकर उसको, ऐसे ही गुरु को परखना है। लेकिन मैंने जैसे कहा हमारी तो दुविधा दूर हो गई, गुरु ने हमें अपना दिया। स्वामी विवेकानंद हैड सच एन एटीट्यूड एट फर्स्ट टुवर्ड्स श्री रामकृष्ण परमहंस, वंस द यंग डिसाइपल वॉन्टेड टू टेस्ट his master's statement that he was unaffected by money, so he put a coin below Ramakrishna's pillow. The guru could not sleep that night. Vivekananda's test had merely proven the spiritual armor of his guru. Just let me change my earphone because just one second, please. ठीक है।
रेड ऑफ डाउट, कैन समबडी कंफर्म, एम आई ऑडिबल? यू आर ऑडिबल अंकल. ओके, थैंक यू सो मच. रेड ऑफ डाउट, द डिसाइपल कैन देन हम्बली अप्रोच द गुरु. His relationship with his spiritual guide rests on a firm footing. He can entrust himself to the Guru in life as in death. Only after the strong foundation of trust or Shraddha has been laid is the spiritual superstructure built. Man has to realize anew that he is a spiritual being made in his image. हमारे अंदर से गुरु का स्वरूप दिखना चाहिए. अगर हमारी गाड़ी पे स्टिकर लगा हुआ है गुरु जी का, अगर हम गले में माला पहने हुए हैं जिसमें गुरु जी की फोटो है, हम अगर कोई ब्रेसलेट पहने जिसमें गुरु जी का, सो वी हैव टू प्रूव आवरसेल्फ्स कि हम इस गुरु के डिसाइपल हैं. हम ना किसी को हर्ट करते हैं, ना हम किसी को दुखी करते हैं. हम सेवा करना जानते हैं, हम नाम जपना जानते हैं, हम दान करना जानते हैं, हम पाठ करना चाहते. मैन हैज टू रियलाइज एन्यू दैट ही इज अ स्पिरिचुअल मेड बीइंग इन हिज इमेज. द गुरु प्रॉड्स द डिसाइपल टू रियलाइज हिज डिविनिटी. अ स्मॉल स्टोरी नरेट्स हाउ, एक छोटी सी कथा इसमें दी है. अ कब हैड बीन सेपरेटेड फ्रॉम हिज ट्राइब ऑफ लायंस. ही बिगेन टू लिव विद शीप. इन टाइम हिज बिहेवियर बिकेम एग्जैक्टली लाइक देयर्स. He no longer roared, he bleated. A tiger saw him one day and was overcome by surprise. He caught hold of the still young cub and gave him a hard shake. What is the matter with you? The tiger roared. Why do you behave like a sheep? The terrified cub insisted that the tiger was mistaken. He was just a sheep. Ye hamari hi kahani hai. Hum is kaliyug mein apne aap ko bahut hi नीचे स्तर का जानते हैं, नीचे स्तर का मानते हैं. The terrified cub insisted that the tiger was mistaken. He was just a sheep. The tiger took the cub to a lake. The clear water reflected the cub's face. Immediately, he realized his true nature. The guru's none too easy task is somewhat similar. He gives us the identity. He demolishes the apparatus on which our mistaken identity rests. We are his children, not creatures of mortal flesh and feverish blood. We are divine personages, clothed in hide, not desire-led animals. We are souls encased in bodies, not bodies with souls. Such a turnaround occurs only when the disciple truly touches the guru's feet. That is, when his ego flakes away from his self, only then does he receive the spiritual charge that wakes him up. The guru is a spiritual powerhouse, transmitting the current of spirituality into his disciples. At his graceful touch, the disciple awakens. Wo hame एक ऐसी अवस्था में ले जा रहे हैं जिसको स्पिरिचुअलिटी में तो जागृत अवस्था ये कहते हैं जिसमें अभी हम हैं, लेकिन वो हमारी सच्ची जागृति कराते हैं. वो हमें स्वप्न से दूर कराते हैं, हमारी जो डेली के जो भंबड़ भूसा जैसे कहते थे गुरु जी उसमें जो फंसे हुए उससे दूर करा करके हमारे को जागृत करते हैं रब को, रब के दर्शन करने के लिए और रब के रास्ते पर चलने. Yet there are times when the disciple resents. Much preparatory work has to be done. However, we are laden with the psychological ferment and karmic baggage of lifetimes. बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, कितने जन्मों के हम कार्मिक अकाउंट लेके चल रहे हैं. The powerful eddies generated by our karmas acting on minds not equipped with right attitudes can break our legs even as the journey begins. हम अंधेरे के गुबार में चल रहे हैं, हमें नहीं पता हमारे मार्ग में क्या क्या रुकावटें आ सकती हैं, हम गिर सकते हैं, चोट खा सकते हैं, लेकिन गुरु अपनी रोशनी से हमें आगे ले जाता है.
So the guru puts us in situations where we learn life lessons. Armed with the aches of right attitude, we hew our path through the many obstacles of life. Hew means किसी चीज को जो काट छांट के हम थोड़ा सा कटिंग करते हैं, थोड़ा सा उसमें कुछ ऐड करते हैं, तो काट छांट के जो चीज करते हैं, तो वो वी ह्यू आर पाथ थ्रू द मेनी ऑब्स्टेकल्स ऑफ लाइफ. द गुरुज ग्रेस इज नेवर मोर एविडेंट व्हेन लाइफ कम्स अप विद अ चैलेंज और अ टेस्ट. सही बात है, जब चैलेंज आता है तभी तो गुरु गुरु की परीक्षा होती है. वो गुरु जी कैसे थे कि गुरु तो मांग के लिया था, की मांग की लिया. ये गुरु की परीक्षा है कि गुरु अपने आप आपको जानकर आपको क्या चाहिए या आपके लिए क्या उचित है वो दे देता है. एट सच टाइम्स टू क्विकन द स्पिरिचुअल इवोल्यूशन ऑफ हिज चाइल्ड द गुरु कैन टेक द डिसाइपल्स कर्मा अपॉन हिमसेल्फ व्हिच वी हैव सीन गुरु जी डूइंग दैट एलिविएटिंग इट्स मिजरी कॉजिंग इफेक्ट्स सेंसिंग दैट वी आर अबाउट टू सेट आवर फुट ऑन अ कार्मिक क्रेवस ही लिफ्ट्स अस अप एंड कैरीज अस ऑन हिज ओन शोल्डर. जो साधारण गुरु होता है ना वो मार्गदर्शन करता है, हमारे गुरु जी अपने कंधे पर बिठा करके हमें वो रास्ता पार करा. वॉट एंड कमिम्स कैन बी हीप्ड ऑन सच ए गुरु, ही कैन ओनली बी साइलेंटली लव्ड फुल्ली फॉलोड. जैसे मैंने कहा, हम क्या गुरु की बढ़ियाई क्या कर सकते हैं, हम उनकी शुक्राना क्या कर सकते हैं, काबिल नहीं है, इस काबिल हम नहीं. हमको तो गुरु को आगे रख करके उसके पीछे पीछे चलना सीखना चाहिए, ये बहुत हमारे काम की चीज है. येट देर आर टाइम्स व्हेन द डिसाइपल रिसेंट्स हिज गुरु, द गुरु लीव्स नो साइकोलॉजिकल स्टोन अनटर्न टू परफेक्ट हिज स्पिरिचुअल सन, बट द डिसाइपल्स कमिटमेंट विल्ट्स एज द गुरु ऑपरेट्स ऑन हिज मेंटल मेकअप. Howsoever much the disciple may flinch from his guru's ego-hurting blows, the guru bent on the disciple's perfection carries his task through. जितना गहरा घाव होता है उतनी देर से भरता है, जितना गहरा पंड पंड होती है ना जो हम लिए फिरते हैं, वो जितनी मोटी होगी उसको तोड़ने में उतना ही समय लगेगा. हमको प्रयास करना पड़ेगा, बाकी गुरु हमारी सहायता करेगा. At such weak moments, the disciple can't summon the will required to thwart his habits, but he need only realize that the guru is taking pains on his behalf. The guru's sole interest, unlike the self-interest concealed in every human relationship, is the disciple. His only interest is to take the disciple Godward. Unka ek hi uddesh hai, Ishwar tak le jana. Whether he moves mountain of karmas out of disciple's way to do this, whether he heals him of disease or of mental plagues, that is his wish. These are only means to the end of leading the disciple to God. The guru selflessly spends a huge amount of energy and time in fashioning a disciple, which we have seen. Guru will give away his energy. Guru will do part for us, for alleviation of our miseries. हमने देखा कैसे वो अपने शरीर के ऊपर हमारे शरीरों का बोझ ले लेते थे. The journey up the spiritual mountain is no picnic. Spirituality, as the Satguru transmits it, is not comfort-giving philosophy. It is no cosmetic cream that can make our social faces and psychological masks look more beautiful for the moment. It is not a set of rituals and rites that we can fulfill or gratify ourselves or to flatter God. The spiritual terrain is a life-consuming affair. It is not a path that one tread can be walked out of. अब पीछे हटने का कोई मतलब ही नहीं है. पीछे हटने का कोई स्थान ही नहीं है. पीछे जाएंगे तो गर्त में ही गिरेंगे. इसलिए आगे ही बढ़ते रहें. जिस भी स्पीड से बढ़े. वंस यू आर विद अ गुरु, वंस यू एक्सेप्ट हिज स्टुअर्डशिप, यू मस्ट गो वेयर ही लीड्स यू. द गुरु इज आर ओनली चांस टू रिक्लेम आर डिविनिटी. ही इज द लैडर दैट लीड्स टू गॉड. ही इज द वन हु ग्रांट्स अस सेल्फ रियलाइजेशन.
Everything in his hand is a device, from how he escapes the crowd to how he positions his relationship with us. But at all times, he is our guru. No matter whether he's joking or lending an ear to the happening of the day, he is our guru. First, foremost, and last. And only through pleasing him or through attempting to please him shall the disciple succeed in getting to his cherished goal. Remember also that the guru is not to be literally emulated. There is a story of Adi Shankara and a disciple who used to imitate each and every action of the great master. On a pilgrimage, the master stopped to take some alcohol from the hands of a peasant. The disciple close on his heel did so likewise, and probably with great enthusiasm. Some distance ahead, the great Vedantist stopped again. Molten iron was coming out of an iron foundry. Unconcernedly, Sri Adi Shankara asked for the liquid, cupped in his hand, and took a long sip. Matlab jo loha jo melt hoke aa raha tha, wo unhone apne haathon mein liya. To guru kya kar sakta hai? Humko unko copy nahi karna hai, unko follow karna hai. वो अगर कहें ऐसा करो तो वो करें और फिर वो गुरु विल टेक केयर ऑफ वॉट एवर. द डिसाइपल वॉज डिजार्म्ड, ही कुड नॉट फॉलो हिज मास्टर. नाउ द गुरुज वर्ड्स हैव टू बी फॉलोड इन लेटर एंड स्पिरिट, नो डाउट. येट द डिसाइपल शुड नॉट इमेजिन हिमसेल्फ टू बी द गुरु अंडर एनी कंडीशन. इट इज मच बेटर टू बी कंटिन्यूअली एंगेज्ड इन लविंगली रिमेंबरिंग द गुरु. That way the guru and the disciple are always linked in spirit. Hamara jo atmic connection hai na, wo bana rahega. Spirituality in the hands of the guru is a weapon to disarm our ego. Unless we are ready to be thus mercilessly exposed, do not seek a guru or say you follow him. If you come to a guru, rest assured that you will not receive continual ego massages. वो हमारी ईगो को पैम्पर नहीं करेंगे, वो हमारी ईगो को मारेंगे. इनफैक्ट वंस यू हैव फॉलन फॉर अ गुरु, इवन स्लाइट इंडिकेशन ऑफ हिज फेवर में डिसअपियर. वो टेस्ट लेते हैं, अनोखे टेस्ट लेते हैं, ध्यान में रखेंगे. द ग्रेटनेस ऑफ द गुरु लाइज इन दैट ही टेक्स अस एज वी आर, व्हाट्स एंड ऑल. अब इससे बड़ी बात क्या है, हम जैसे हैं वैसे आपके हैं गुरु जी, बस ये कहना और हमें अपना लो, आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा, ये कहना बहुत जरूरी है. ही लव्स अस इन स्पाइट ऑफ आवर ब्लेमिशेस, ही सेट्स नो प्री कंडीशंस फॉर आवर एंटरिंग हिज पाथ. उन्होंने कोई हमारे पर रिस्ट्रिक्शन, कंडीशंस, रिचुअल्स, ये वो कोई नहीं, हमको किसी में नहीं बांधा. उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम पहले नॉनवेज छोड़ के आओ फिर इस दरबार में आना, पहले पीना पाना छोड़ के आओ फिर इस दरबार में आना, पहले झूठ बोलना छोड़ के आओ फिर इस दरबार में आना. करते रहो जो कर रहे हो, मगर आते रहो, आते रहोगे तो अपने आप ये सब चीजें छूटती जाएंगी. एंटायरली सेल्फ सफिशिएंट, एब्जॉर्ब्ड इन कॉस्मिक ब्लिस, ही वांट्स नथिंग, क्रेव्स नथिंग, इन हिज विजन ऑल आर अलाइक. हम सब एक हैं, नया पुराना केवल कहने को हम शब्दों को यूज कर लेते हैं, केवल इस बात को इंगित करने के लिए कि कौन 2007 से पहले जिन्होंने फिजिकल या कौन उसके बाद में. लेकिन जैसा नील मांटी ने भी कहा, कोई नया पुराना नहीं. जिसने गुरु को ज्यादा अपना लिया वो गुरु का परम भक्त हो गया. ही सीज नो डिस्टिंक्शन, ही फेवर्स नन, लाइक द स्काई ही एंड कंपासेस ऑल विदाउट टचिंग हिम. He is the eternal witness. His unblinking eye, steadfast on eternity, is intimate with each and every flowing thought in the stream of his disciples' mind. The Guru is the highest. He is incomparable. His grandeur is above even that of the Lord of Heaven. The sun, the moon, the stars are best encrustations of finite cosmic dust on his robe. ये सूरज, चंदा, तारे जो है ना, ये उनके चोले पर लगे हुए सितारों के समान है.
द होली ट्रिनिटी, द काउंटलेस गॉड्स एंड गॉडेसेस, द योगिक पावर्स आर एट हिज फीट रेडी टू डू हिज बिडिंग. द गुरु इज गॉड, द गुरु इज शिवा हिमसेल्फ. इन द शिव पुराण लॉर्ड शिवा डिनाइज लॉर्ड ब्रह्मास प्ली टू क्रिएट बींग्स बाउंड बाय मोर्टैलिटी. He instead vows to descend on earth to remove such being for the incessant round of births and deaths. He came as Guruji. In the dust of his feet, ah, what please? Unke charno mein data rakh charna dekho, charna di mauj padi. May Guruji have mercy on you and me. May the rain of his mercy fall on our foolish heads. May we, through the very charge of his being, be laid at his feet. Om Namah Shivaya, Shivji Sada Sahay. Om Namah Shivaya, Guruji Sada Sahay. So sorry Guruji and sorry Sangatji. I overshot the scheduled time for this session. First of all, please forgive me for any mistakes I have made, all the mistakes I have made in today's reading, and also my expression towards Guruji, towards Light of Divinity, towards Sangatji, and towards anybody. Mujhe maaf karein. Aap sabka bahut bahut dhanyawad. You have been so patient in this session. Aap bade acche se dhyan dekar sun rahe hain. Bas yahi hame Guru ki baat sunni hai. Ye jo maine padha. गुरु के दर्शन, गुरु के शब्द और गुरु के एक भक्त की भावनाएं जो मैंने आपके साथ साझी करी और उनको अपनी दृष्टि से, अपनी समझ से आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया. धन्यवाद आप सभी का. ओवर टू वॉसन अंकल. थैंक यू सो मच. थैंक यू लॉर्ड गोपाल शेट्टी अंकल. आई एम रिक्वेस्टिंग अमिताभ शास्त्री अंकल जी, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें. ओवर टू यू अमिताभ अंकल. गुरु जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम. गुरु परिवार को मेरा प्यार भरा नमन. मैं क्षमा चाहूँगा वासन अंकल कि आज मेरी आवाज़ जो है थोड़ी बहुत बैठी हुई लग रही है, निकल नहीं रही है ठीक से. क्षमा चाहूँगा, आज मैं बोल नहीं पाऊँगा. थैंक यू गुरु जी, मेरी क्षमा करें पर मुझे वास्तविकता है. हम शास्त्री अंकल के स्वास्थ्य की कामना करते हैं, स्वास्थ्य लाभ की गुरु जी से. So over to you, Neelam aunty. Thank you so much, uncle. Thank you so much, uncle, for the beautiful reading. बहुत ही आनंद आया. पता ही नहीं चला. बेशक कह रहे हैं कि टाइम ज्यादा ले लिया, लेकिन सच में टाइम का पता ही नहीं चला. और सच में जैसे शुरू में यही बात कर रहे थे, हम इसमें सच में गुरु जी की बात करें तो पूरा डूब जाते हैं. तो आज का सेशन जो है इस बात का प्रमाण है कि सच में वक्त का पता नहीं चला. सो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी. इतना अच्छा समय, मतलब देखिए कहते ना अच्छा समय, और इससे अच्छा समय क्या हो सकता है कि हम गुरु का सिमरन कर रहे हैं, गुरु की स्तुति कर रहे हैं, क्योंकि गुरु के पाठ से बढ़ के तो कोई पाठ है ही नहीं. सो बहुत बहुत शुक्राना. और थैंक यू संगत जी जिन्होंने बहुत पेशेंटली सब हमें सुना. और ये सब गुरु की स्तुति है. और जो जितना सुनेगा, क्योंकि हम बचपन से कथाएं सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं कि सुनने वाले का ही भला और पढ़ने वाले का ही भला. सो बहुत बहुत सबका शुक्राना. ओवर टू यू वासन अंकल. जय गुरु जी. थैंक यू लॉर्ड डॉक्टर नीलम आंटी. गोपाल शेट्टी अंकल जी, बहुत ही डिवाइन ब्लिसफुली आपने सेशन को लीड किया, इलेबोरेट किया. इट वाज ए मेमोरेबल सेशन इंडीड. गुरु महाराज की कृपा हम सब पर बनी रहे. मैं हम सब अब गुरु जी महाराज से आगे लेंगे.